दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की स्टूडियो में हम क्राइम और क्रिमिनोलॉजी क्या होती है और दीगर इनके जार्गन्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो क्राइम क्या होता है? समथिंग दैट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पनिशेबल हो बाय लॉ, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट हो जो जिसके बदले में किसी उसी बंदे जिसको करने पर पनिशमेंट मिले, ठीक है। और ये पनिशमेंट कौन देगा? स्टेट देगा, ठीक है। नाउ इट्स केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्राइमन विच मीन्स टू पनिश, ठीक है। ये जो है क्राइमन से निकला है, ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है कि किसी को चार्ज करना या पनिश करना। इन एवरी सोसाइटी देर आर सर्टन रूल्स, ठीक, जिसको हम लॉ कहते हैं या सोसाइटी या लॉस कहते हैं, नॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट हम कोई भी एक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमें कोई चीज़ों के ऊपर किसी चीज़ों की पाबंदी लगाई जाती है कि आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, ठीक है। आप इस स्टेट में दंगे फसाद नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे किसी की जान नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये अगेंस्ट होगा उस स्टेट के लॉ के, ठीक है। हर कंट्री के अपने अपने लॉस होते हैं और ये डिफर करते हैं दूसरे कंट्री के लॉस से। अब ये क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि जो लॉस होते हैं वो इट्स अ पब्लिक कंस्ट्रक्ट, ठीक है, सोसाइटल कंस्ट्रक्ट, यानी कि सोसाइटी जो इन लॉस को बनाती है, नॉर्म्स को बनाती है और कंस्ट्रक्ट करती है, और फिर ये सब जो है सब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इनके सब जो है मानते हैं लॉस को और फिर कहते हैं हाँ ठीक है, हम इन लॉ को अबाइट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और कोई भी कोशिश नहीं करेगा इन लॉस को ब्रीच करने की, और जो करता है वो जाहिर सी बात है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसकी। सो इन एवरी सोसाइटी देर आर सर्टन रूल्स जो कि लॉस होते हैं, एंड वायलेशन ऑफ सच लॉस रिजल्ट इन पनिशमेंट एंड सच वायलेशन इज कॉल्ड क्राइम, ठीक है। जब भी आप किसी भी लॉ अगेंस्ट जाते हो या उसको वायलेट करते हो तो क्या होता है? आपको पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। और वो जो पनिशमेंट होता है या वो जो एक्ट होता है कि आप वायलेट करते हो किसी लॉ को, उस एक्ट को आप क्राइम कहते हैं, ठीक है। तो क्राइम की अगर आप कोई सबसे बेसिक डेफिनेशन पूछे तो आप ये बता सकते हो कि इन एवरी सोसाइटी देर आर सर्टन लॉस या रूल्स एंड वायलेशन ऑफ सच लॉस रिजल्ट इन पनिशमेंट एंड सच वायलेशन इज कॉल्ड क्राइम, ठीक है। और वो उस वायलेशन का हम बेसिकली क्राइम कहते हैं। वायलेशन करना यानी कि उस कोई भी काम इलीगल करना या कोई भी उस रूल को ब्रेक करना, ठीक है, उस रूल्स को या उस लॉ को ब्रेक करने को वायलेशन कहते हैं। नाउ वॉट इज क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब कहाँ पे क्या लॉस होते हैं, कहाँ पे डिफरेंट लॉस होते हैं, हर जगह पे सेम लॉस नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि ह्यूमनिटेरियन जो कि ऐसे लॉज हैं जो कि ह्यूमन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो मोस्टली सेम होते हैं चाहे आप कोई भी कंट्री में चले जाएं। बाकी जो दूसरे दीगर लॉस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जहाँ मतलब कई कंट्री पे ऐसा होता है कि आप जो है अगर आप क्राइम करते हो तो आप गिल्टी हो एज लॉन्ग एज यू आर प्रूवन इनोसेंट। कहीं पे आप अगर कोई क्राइम करते हैं या आपको आपके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लगते हैं या आपके ऊपर कोई केस वगैरह करता है, देन यू आर इनोसेंट अंटिल यू आर प्रूवन गिल्टी, ठीक है। कुछ कहीं ऐसा होता है कि अगर आपके ऊपर मतलब कि मैं ये फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गिल्टी हो अंटिल अनलेस यू आर प्रूवन इनोसेंट एंड समवेयर यू आर इनोसेंट अंटिल अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी, ठीक है। सो ऐसा होता रहता है क्योंकि हर जगह पे डिफरेंट लॉज होते हैं। अब ये लॉज कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली वहाँ की सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है उनको, ठीक है। सो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी जाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है तो आपको किसी भी करके उन कॉन्स्टिट्यूशंस को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। सो अब जैसे कि अगर आप देखें जो कि कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन जो है वो लीगल होता है और कहीं पे नहीं होता, ठीक है। सो वहाँ पे लीगल है और यहाँ पे लीगल नहीं है, तो इसकी क्या वजहत है? उसकी वजहत ये है कि वहाँ पे वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और सोसाइटी कहती है हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए। अब सिर्फ इसकी एग्जांपल नहीं, हम कुछ जो वो होती है मारवाना या ऐसी ड्रग्स होती हैं, वो ड्रग्स जो है कई कई जगह पे लीगल है, कहीं पे जगह पे इलीगल है, ठीक है। सो ये होता है जिसकी वजह से ये लॉज डिफरेंट होते हैं जगह जगह पे, क्योंकि ये सोसाइटल जो सोसाइटी होती है, जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, वो अपने हिसाब से उनको बनाते हैं उन लॉज और रूल्स को, ठीक है। सो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज एंड एक्शंस एंड एक्शन दैट कंसिडर्ड एज क्राइम। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान इन इंडिया प्रोस्टिट्यूशन इज अ क्राइम, बट इन सम वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज देयर इज अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री फॉर इट। सो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ कहीं पे तो इनकी पूरी पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, ठीक है, कहीं पे ये जो है इलीगल है, तो
हर लॉज जो है वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो लॉ के जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं वो उस कंट्री के रेजिडेंट होते हैं. राइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस इट फर्दर. सो एक्शन दैट हैव अ पॉसिबिलिटी टू हार्म सोसाइटी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड क्राइम. अब जाहिर ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी ऐसा एक्शन होता है, ये कहीं पे भी आप चले जाएं, कोई भी ऐसा एक्शन होता है जहां से जिसकी वजह से कोई इंडिविजुअल का नुकसान हो या पॉसिबल या उसको रिस्क हो जाए कि वो हाँ भाई वो ये इसके इस एक्शन की वजह से मेरा ये नुकसान हो सकता है या मेरी प्रॉपर्टी का ये नुकसान हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली वो कंसिडर किया जाता है कि वो क्राइम है एक. ठीक है, अगर वो हो जाए, नुकसान हो जाए उस बंदे का या उस प्रॉपर्टी का, उसकी प्रॉपर्टी का. ठीक है, नॉर्म्स एंड क्राइम्स आर टू सेपरेट थिंग. नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स बेसिकली एक वे होता है कि भाई आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, इस तरीके से आपने बिहेव करना है सर्टेन जगहों पे. जैसे स्कूल में आप जब अगर टीचर से पूछिए क्लास को छोड़ नहीं सकते, तो ये क्या है, इट्स अ नॉर्म. ठीक है, लेकिन नॉर्म क्राइम नहीं होता. ठीक है, मतलब कि अगर आप जैसे स्ट्रीट पे ये मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप स्ट्रीट पे जाके सबको डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, ठीक है, या गालियां वगैरह दें, सो या गाने वगैरह गाएं तेज वॉइस में और लोग डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये क्या होता है, दैट इज समटाइम अ नॉर्म. ठीक है, या जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कूल के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, तो स्कूल वाले जो रूल्स होते हैं वो उनको ब्रीच करना, इट्स मीन यू आर ब्रीचिंग अ नॉर्म. ठीक है, जबकि आप अगर स्टेट के रूल्स को ब्रीच करते हो तो देन इट्स अ क्राइम. ठीक है, अब ये स्कूल तो मैंने यहाँ पे एज एग्जाम्पल दिए, अब कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट इदारे या कोई भी ऐसे बिहेवियर की बात कर सकते हैं जो कि पब्लिकली एक्सेप्टेबल ना हो. ऑल्दो इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स नॉट हार्मिंग समबडी, बट इट्स स्टिल इट्स समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी. सो सोसाइटी डिसाइड द नॉर्म्स. ठीक है, सो हमने ये अभी भी ये डिस्कस कर किया था कि नॉर्म्स भी जो है वो सोसाइटी बनाती है. ठीक है, जैसे किसी लॉज जो है वो सोसाइटी बनाती है. अब हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनैलिटी में क्या डिफरेंस है. So criminality is basically a personality that of a human that indicates the willingness to do such activities that considered a crime. अब ये basically एक state होता है एक बंदे का, या एक personality होती है एक बंदे की. हम कहते हैं ना कि भाई इस बंदे में जो है criminality आती है, या उसकी जो personality में criminality है, यानी कि वो ऐसा बंदा है जो कि हमेशा कोशिश करता है कि rules को वो break करे, या वो कहता है कि रूल्स जो ब्रेक करने के लिए होते हैं. ठीक है, सो ऐसे बंदे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर या उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट है कि उसके अंदर जो है या उसकी क्रिमिनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट में है. ठीक है, सो ये बेसिकली एक स्टेट होती है एक बंदे की जहाँ पे वो उसके पास ये विल होती है कि वो क्राइम करे. ठीक है, फिर आपके पास आती है क्रिमिनोलॉजी. ये बेसिकली एक स्टडी होती है क्राइम्स को, कि क्राइम्स क्यों होते हैं, कौन करता है, उसके स्टेट ऑफ दिमाग, उसको इसकी क्या मोटिवेट करता है एक बंदे को क्राइम करने के लिए. तो क्राइम की स्टडी को या प्रिजनर्स की या क्रिमिनल्स की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी कहते हैं. सो क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स, लाइक व्हाई डू दे कमिट क्राइम्स, व्हाट मोटिवेट्स देम, और व्हाई डू क्रिमिनल बिहेव लाइक दैट. और क्रिमिनल क्यों इस तरीके से बिहेव करते हैं कि वो क्राइम करें. ठीक है, ये एक क्राइम एक शख्स के दिमाग में क्या ऐसा चलता है, क्या ऐसा होता है कि जिसके वजह से वो क्राइम करते हैं. सो ये क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनैलिटी के डिफरेंस होता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं फेलनीज और मिसडेमिनर्स में क्या फ़र्क होता है. सो मैं आपको सिंपल ब्रीफली बता दूं कि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर. ठीक है, अगर क्राइम कितनी क्राइम जो है वो कैसा क्राइम है. ठीक है, क्राइम का नेचर कैसा है, क्या वो क्राइम ऐसा छोटा मोटा क्राइम है. ठीक है, या क्राइम बहुत बड़ा है. ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी एक बंदे को या एक पिक पॉकेटर है. ठीक है, एक पिक पॉकेटर किसी के सोर पे चोरी कर लेता है, तो ये एक फेलनी नहीं है, इट्स अ मिसडेमिनर्स. ठीक है, मिसडेमिनर्स, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस. सो इसकी जो लो इंटेंसिटी वाला क्राइम है तो ये इसमें आएगा, हाई इंटेंसिटी वाला क्राइम है तो ये इसमें फेलनी कहलाएगी. फेलनी में मर्डर आता है आपके पास, बैंक रोबरी आती है. ठीक है, फ्रॉड आता है, फाइनेंशियल स्कैंडल्स आते हैं, ये तमाम जो है फेलनीज होती हैं. सो दिस डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम. इफ योर क्राइम इज ऑफ एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी नेचर लाइक मर्डर, बैंक रॉबरी, फ्रॉड एक्सेट्रा, दिस ऑल आर फेलनीज. ठीक है, इसको हम इन सबको हम फेलनीज बोलते हैं. वेयर द पनिशमेंट इज मोर देन अ ईयर इम्प्रिजनमेंट. तो जो फेलनी की जो पनिशमेंट होती है वो एक साल से ज्यादा
इम्प्रिजनमेंट यानी कि आपको जेल में रखते हैं 1 साल से ज़्यादा। और इसके अलावा यहाँ पे सज़ा मौत भी सुनाई दी जाती है, जैसे अगर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगे हैं तो देन यू नो इधर इट्स गोना बी सज़ाए मौत और इट्स गोना बी लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। सो ये होता है मिसडेमिनर्स में, ये होता है कि ये कुछ ज़्यादा खास क्राइम नहीं होते, दीज आर ऑफ लेस इंटेंस नेचर लाइक पिक पॉकेटिंग, स्टीलिंग और सेल वैल्यूएबल थिंग्स एक्सेट्रा, और स्टीलिंग अ वैल्यूएबल थिंग्स, सॉरी, सो स्टीलिंग अ वैल्यूएबल थिंग्स एक्सेट्रा। सो गाइस दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।